You all, my lovely buddies, and a very warm and hearty welcome to you all on this amazing platform. Yes, why I am using this term, Ladesar? because in every family you will find out that one who is good, who is very pampered, it is not pampered, that he his powers, what he is able to do. Yes, this is a story about that kind of a dog ma'am but you are talking about pamperness you are talking about dog ye saari baate kar raho, lekin the topic the lesson name is not related to that yahan twist hai, and that twist is the topic the name of the lesson is totally different from what we are going to talk about so here as you can see that this is the name of the lesson and the name of the lesson is what a triumph of surgery first of all samjo what is the meaning of this word triumph triumph meaning kya hota hai kisi pe jeet karne la victory ke liye use kya jata hai jab aap jeet hasil kar ho vijay prapt kar ho that is called as triumph okay that is triumph okay that is called as victory when we talk about the next word which is new here and that is surgery सर्जरी हाँ ये वही सर्जरी है जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल बिल्कुल वही सर्जरी है दैट सर्जरी विच इज कॉल्ड एज ऑपरेशन कहते हैं ना ऑपरेशन हो गया है ना किसी का ना माइनर ऑपरेशन भी होता है तो भी इतना बड़ा बोलते हैं ओ oh, उसके सर्जरी हुई है नहीं सर्जरी माइनर ऑपरेशन ये अलग अलग टर्मोलॉजी है उस पर नहीं जाते हैं है हम एंड लेट्स टिक टू द पार्ट विच इज आर चैप्टर वन ऑफ योर बुक

चलो ऑथर ही कौन है ऑथर ही हमारे नरेटर है हु इज द ऑथर ऑथर इज नरेटर ओके यानी कि जो पूरी स्टोरी बताई गई है उसमें आय का क्वेश्चन आ जाए कहीं पे भी देखो हर एक पल पे मैं तुम्हें क्वेश्चन डिलीवर करती हूँ हर एक जगह यू विल गेट द क्वेश्चन इफ द क्वेश्चन कम्स हु इज द नरेटर इफ द क्वेश्चन कम्स दैट इन द चैप्टर एक्सट्रैक्ट दे दे और पूछ लिया जाए कि आय किसके लिए यूज हुआ है तो आई इज यूज फॉर नरेटर आय इज यूज फॉर

कोई कहेगा मैम ये पेन नेम ये वाला पेन है क्या नहीं ये पेन नेम नहीं होता है पेन नेम मीन्स स्यूडो नेम स्यूडो मीन्स वॉट स्यूडो कहो पेन uh, नेम कहो ये क्या होते हैं दीज आर कॉल्ड एज उपनाम किस नाम से वो uh, कहानियां लिखते थे पिक्चर एज वेल आप ये पिक्चर्स के थ्रू समझ सकते हैं दैट ये खुद एक वेटरनरी डॉक्टर थे एंड यहाँ डॉग्स दिखाई दे रहे हैं सो so ये हमें इम्प्लीफाई करना है दैट ये डॉग्स को ट्रीट करते थे और ये बाद में

हमारे पास में मेन कैरेक्टर्स देखो कितना प्यारा प्यारा अलग अलग से लिख के लाई हूं तुम्हारे लिए और तुमने अभी तक लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया गलत बात नहीं करने की है यार कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं हम द मेन कैरेक्टर्स मिसेस पम्फ्री अब देखो नाम से ही याद रख लोगे मैं कहीं पे भी आपको परेशान तो होने ही नहीं देती हूँ ऑलवेज आई सजेस्ट यू कि ना सोचो ही नहीं कैरेक्टर्स में सबसे पहले आती है मिसेस पम्फ्री ओके अब यहां देखो पम्फ्री नाम आ रहा है और पम्प्री को हम कैसे याद कर सकते हैं पैम्परनेस से पैंपर करती है ये बहुत पैम्पर करती है किसको पैम्पर करती है इनका एक डॉग है उस डॉग का नाम क्या है ट्रिकी सो ट्रिकी कौन है ट्रिकी इज द नेम ऑफ द डॉग इनका किसका डॉग है मिसिस

ए सी वाली कार में घूम रहे हैं और हम देखो टू व्हीलर पे घूम रहे होता है ना तुम्हारे साथ में भी चलो कोई नहीं भावनाओं को साइड में रखो आगे बढ़ो कैरेक्टर्स में डॉग का बता दिया अच्छा तो फिर ये कौन है नाम से क्लियर है डॉक्टर एज आई टोल्ड यू ही इज द नरेटर एज वेल तो नरेटर कौन है हमारे जेम्स हैरियट है यही डॉक्टर है और यहाँ पे तीनों कैरेक्टर्स क्लियर हो चुके हैं देन व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट लेट अस नो अबाउट द लेसन किस बारे में है ये लेसन क्यों पढ़ना है हमें ये लेसन सो इट इज ऑल अबाउट मिसेस पंफ जो मिसेस पैम्परे है वो एक रिच लेडी है और वो पैम्पर करती है अपनी डॉग को बहुत ज्यादा पैम्पर करती है वो अपनी डॉग को और इसकी वजह से बहुत ज्यादा पैम्परनेस की वजह से जो चीज चाहिए वो उसको प्रोवाइड करा दी जितना खाना खाना उसे खाना खिला दिया उससे वो क्या हो गया है लेजी

द कमेंट सेक्शन इफ यू नो एनी वन और इफ यू आर द वर्क जिसे बस कहने की देरी है एंड ऑल द रिसोर्सेस आर अवेलेबल और सारी जरूरतें पूरी हो जाती है अगर आपकी या आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो तो व्हाट वर देंटेज है आगे जाके उस को क्या झेलना पड़ता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ओके राइट नाउ यू हैव द टाइम चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ क्यूट क्यूट सा यहाँ पे डॉग आ गया है ना अब ये जो क्यूट सा डॉग ये दिख रहा है ना तुम्हें वो एक्चुअली क्यूट तो बाहर से दिख रहा है बट अंदर से वो परेशान हो चुका है वो क्या हो गया फिजिकली फिट नहीं है सो लेट मी टेल यू अबाउट समरी क्या है समरी सो डॉक्टर एक बार क्या होता है? ड्राइव कर रहे होते हैं अपनी कार से और वो कार से बाहर झांकते हैं सो वेन ही पीप्स आउट झाँकने के लिए एक वर्ड होता है पीप करना ओके सो वेन ही पीप्स आउट और हम कह सकते हैं वेन ही लुक्स आउट तो उसे दिखाई देता है कौन ट्रिकी डॉग और साथ ही साथ में मिसिज पंप्रे कौन पे सड़क पर जा रहे होते हैं ट हैपन्स डेट वेन ही सॉट ट्रिकी तो वो उनके दिमाग में आता है और ये अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगेन वन मोर क्वेश्चन फॉर यू की क्वेश्चन पूछ लिया जाए बिफोर और आफ्टर होता है ना क्या होता है पहले वे बहुत ही परेशान थी मोटी थी बिल्कुल भी ताकत नहीं थी फिर लाइक आफ्टर इफेक्ट वाला फिर मैंने ज्वाइन किया जिम जो मैं कभी नहीं कर सकती जिंदगी में तो ऐसा क्या होगा कि वो बिफोर आफ्टर वाला स्केच है ना अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट हाउ वॉज ट्रिकी राइट बिफोर ही मेट टू डॉक्टर जेम्स उससे पहले वो कैसा था ये पूरा आंसर आपके सामने है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दैट इन द्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन द स्टार्टिंग जो ट्रिकी है उसके कैसा कैरेक्टर स्टैच बताया गया है तो स्टार्टिंग में वो कैसा दिखाई देता था ही हैूमी आईज फैट लाइक सॉसेज सॉसेज की तरह कंपेरिजन किया गया सो so कम्पेरिजन को जरूर से याद रखना एंड देन ही रोल्ड फ्रॉम हिज जॉज हो गए शॉक कौन मिस्टर जेम्स हारियट वो हो गए शॉक और उन्होंने कहा भाई कुछ करना पड़ेगा ऐसे तो ये जो डॉग है वो अपनी जिंदगी खराब कर देगा और कौन खराब कर रहा है इसकी जिंदगी इनडायरेक्टली

दिमाग में किसके हमारे डॉक्टर के सो so, डॉक्टर जेम्स क्या है फिर वो एक उन्हें बोल देते कि भाई तुमने इसके साथ में गड़बड़ करा है और इसकी जिंदगी खराब हो रही है ये तो बहुत फैट हो चुका है ये इल हो चुका है इसे हम लेके जाएंगे ऐसा करने पर वो रेडी नहीं होती डेफिनेटली तो उसे समझाया गया और मिसेस पंफरी भी हाँ बोल चुकी उसके बाद में हैरियट ने दैट द डॉग टू हैव नो एनर्जी हैरियट को उन्होंने चांस दिया वो खुद कही कि देखो हमारे डॉग में बिल्कुल एनर्जी नहीं है ये मेरे साथ खेलता भी नहीं है ना ही मेरे साथ में सिर्फ वॉक करता है ना ही कुछ खेलता है ना ही वो रिंग डिस्क वाला गेम होता है वो खेलता है सो यू कैन सी हाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर हर एज वेल कि कैसे वो मुश्किल से उसको रख रही होंगी देन वो उन्होंने खुद ने फिर ये सारी चीजें बता दी कौन मिसेज पॉम्फ्रेंड है उन्होंने बोला मैंने उसको क्या क्या नहीं दिया है

कुत्ता भी पीता है हॉर्लिक्स वाली बात है चलो सो so, उन्होंने कहा मैंने इसको कुछ क्रीम केक्स भी खिला दिए मतलब जो चाहिए था जो मन में था उसने वो सब कुछ कर दिया इवन ने रिफ्यूजल किया था मना किया था उसके बाद में भी और क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिच डाइट थी एंड ही नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटीज आपने देखा होगा दैट देर आर सम डॉग्स जो बहुत ही फिजिकल एक्टिव होते हैं बिकॉज उनकी जो फैमिली होते हैं ना वो भी फिजिकल एक्टिव होते हैं वो उन, उसको रोज लेके जाते हैं जॉगिंग खुद भी करते हैं वॉक के लिए उसे भी ले जाते हैं ये सारी चीजें कब डेवलप होती है जब दो फैमिली

कुछ नहीं करना है उसको तो ये क्यों हुआ क्योंकि उसका जो एनवायरमेंट है उसको यही दिख रहा है कि भाई यहां तो घर में सब्ज नहीं उठ रहा मैं जल्दी उठ के क्या करूं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है ऐसे सो so, माइट ये हुआ, ये हुआ किसके साथ में हुआ ये हुआ अपने डॉग के साथ में जिसका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में ना देन मिसेस ने ये भी बताया कि जो ट्रिकी है वो सिर्फ सिर्फ मैंने जैसे बताया मेरे साथ वॉक करता है खेलता नहीं ये सारी बातें हो गई हैं देन हम बात करते हैं तो मिस्टर हैरियट ने कहा कि मुझे तो इससे क्या करना पड़ेगा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा उन्होंने समझाया उसे कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और मैं वहां इसका पूरा ट्रीटमेंट करूंगा अब घर में सब जने रोने लग गए ओ हमारा प्यारा बच्चा जिसको हम बहुत अच्छे से रखते हैं हम इतने प्यार से उसको खेलते हैं उसके साथ में ये वो तो वो उसको तो लेके जा रहे तो सब जने रोने लग गए अब रोना धोना एकता कपूर का सीरियल है ना जैसे वैसा वाला यहाँ पे इजी हो गया कि रोना धोना तो है ही है यहाँ पे देन वॉट हैपन देन नरेटर यानी वही अगर हम मैं कहूँ मिस्टर जेम्स कहूँ चाहे डॉक्टर कहूँ चाहे वेटर कहूँ चाहे नरेटर कहूँ ये सारे एक ही पार्ट है याद रखना ठीक है उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा कीप एन आई ऑन कीप एन आई ऑन मतलब कि उसको ऑब्जर्वेशन में रखा कि ट्रिकी क्या क्या हरकतें करता है क्या उसकी मूवमेंट है एंड ऑल्सो सारी चीजें उन्होंने एज अ डॉक्टर उन्होंने ये सारी चीजें की और दो दिन तक उसे खाने को नहीं दिया क्यों नहीं खाने को दिया देखो सिंपल सी बात है अगर डॉग को वही खाना वहां मिल रहा था वही खाना यहाँ मिल रहा था वो फिजिकल एक्टिविटी क्यों करेगा वो क्यों करेगा राइट right? सो so, उसने उसको दो दिन तक खाना नहीं दिया गया एंड इट ही वॉज गिवन ओनली प्लेटी ऑफ वॉटर बट नो फूड लेकिन दो दिन तक याद रखना क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्वेश्चन

थोड़ा सा उसको भी दे देते दे थे एंड देन वी मूव फॉरवर्ड अगर हम आगे बढ़ते हैं

Word, जो लास्टली आप देखेंगे दैट शी द सर्जरी बाय कार टू लोकेट हिम टू कलेक्ट हिम मतलब वो वहां पे सर्जरी यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं दैट हॉस्पिटल एंड लास्टली उसी के लिए यूज किया गया है दैट इट इज अ ट्राइम ऑफ सर्जरी एंड इट वॉज ट बाय होम अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है आपको बाय होम पूछ लिया जाए तो आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए एक क्वेश्चन को घुमा के कितनी कितनी बार पूछा जा सकता है आप खुद सोचो तो कब यूज किया गया था एट द एंड वेन कब जब उनको कॉल करके बुलाया गया था टू कलेक्ट्रिकी ट्रिकी को कलेक्ट करने के लिए बुलाया गया था एंड शी वॉज देर एंड शी वॉज रियली वेरी हैप्पी और फिजिकल एक्टिविटीज देख करते हुए देखा अपनी ट्रिकी को वो उसने उनके लैब में गया उनको लिख कर रहा है ये सारी चीजें जब देखा तो शी वाज लाइक शाइनिंग इन विद टीयर्स हर आईज एंड शी थैंक द डॉक्टर और उस वक्त उन्होंने कहा जो आपका ट्रीटमेंट है ना जो आपने मेरे ट्रिकी को ट्रीटमेंट दिया है दैट ट्रीटमेंट इज अ ट्राइम ऑफ सर्जरी सो ये हमने पूरी पूरी बात जान ली क्या मैम आप हमारी मैम हो के बडी हो भाई बड़ी हूं मैं तुम्हारी तो मैम आप ना सिर्फ ऐसा ही करोगे कि सिर्फ समरी करके चले जाओगे ना है एवरीथिंग है यहाँ पे क्वेश्चन भी है सो so, एंड तक बने रहना है आपको एंड यू हैव टू गिव ऑफ़ पर क्वेश्चन डिमांड मैं यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लाई हूं जो आपके एक्स्ट्रा एंड इंपॉर्टेंट है

मास्क ना बहुत ही ज्यादा बारीक 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 बारीक, बारीक मिंस करके उसके उसको, उसको रैप करके उसको ऐसे रोल कर दिया जाता है ठीक है देन रोएमे देखो रोएमे क्या होता है एक वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम अ म्यूकस मेम्ब्रेन अरे तुम सबको पता है ना तुम कितने बड़े हो चुके हो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है अरे तुम इसको क्या कहते हो दिन भर नाक में अंगुली कर करके साफ देखा है मैंने देखा है मैंने स्टूडेंट से रहा ही नहीं जाता। जब फ्री है देखा और करने शुरू हो गए सो दैट इज वॉटर अ वॉटरी डिस्चार्ज फ्रॉम अ म्यूकस मैम स्पेशली ऑफ नोज और आईज याद रखना उसे अब क्या कहते हैं लिस्टलेस क्या होता है ओके लिस्टलेस वाज़ अ वर्ड यूज्ड बाय मिसेस पेम्फ्रे ने लिस्टलेस यूज वर्ड किया था फॉर की क्योंकि ये बताना था कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है सो so एंथम या एनर्जी का लैक होना कमी होना तो उसके लिए यूज किया जाता है देन वी हैव इज लम्ब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस दैट द मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक यहां पे जिसे हम कहते हैं लुम्बर रीजन कहा जाता है साइंस अगर जिसको पसंद है उसमें तो पता होगा ये जो रीजन है लोअर बैक वाला रीजन वहां पेन होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है देन

गुड नॉलेजेबल जो रील्स हैं अगर वो भी देखते हो तो उसमें से भी तीन से चार वर्ड तो आपको जरूर प्यारे प्यारे से मिलेंगे जिन्हें आप अपनी इंग्लिश वो क्या आप में स्पोकन में यूज कर सकते हो

Batao. yes i know that you all are ready and with full enthusiasm and passion and attentiveness

को तो, क्या हो गया था क्या बीमारी थी? क्या उसको malnutrition था? क्या उसको था? उसके पेट में दर्द हो रहा था फर्स्ट इज स्टमक पेन क्या पेट में दर्द हो रहा था वॉमिटिंग ड्यू टू ओवर फीडिंग ज्यादा खिलाने से उसने वॉमिट हुई थी कोलेरा हुआ या फिर बुखार आ गया ये बुखार तो ना सारे को एग्जाम से पहले आता है तुम सारे को ही एग्जाम से पहले एक बार बुखार जरूर से चढ़ता है क्योंकि उस वक्त पता चलता है, हाँ, इतना है क्या लेकिन वही हेल्प करने वाले और बुखार को दूर दूर बगा देने वाले आंसर करेक्ट दो मुझे कमेंट सेक्शन में मूविंग अहेड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेज पंफरे अब मिसेस पंफरे को कैसे डिस्क्राइब करोगेक्ट आंसर है जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में देखो बेचारा बार, बार 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 पूछ रहा है आर यू रेडी टू गिव द आंसर और नॉट नाउ आई हैव द क्वेश्चन विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम दिस चैप्टर यस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर फॉर यू फ्रॉम दिस चैप्टर बिकॉज क्या सिर्फ आपके एबीसीडी वाले क्वेश्चन आने ना जी ना, ना. आपके लिए क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे डिटेल क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे

आपको इन डिटेल बताना है एवरी थिंग इफ इट कम्स फॉर शॉर्ट देन यू के आंसर मैं क्यों बताऊ भाई ना जी ना तुम बताओ मुझे यहाँ पे अगर शॉर्ट में आता है तो वन लाइनर आंसर दे दो और अगर लॉन्ग uh, में आएगा तो मैंने आपको बता दिया है कि आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे दैट जब uh, uh, हम बात करते हैं डॉक्टर की तो डॉक्टर जेम्स ने देखा एंड ही सेड दैट व्हाट्स हैपनिंग क्या हो रहा है व्हाई इज गेटिंग फैट एंड इल तो उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ वो पूरा बताते हुए आगे बढ़ना एंड वाई देन उन्होंने uh, लेके गई मिसेज पंपरे उसको डॉक्टर के पास में वो पूरा लिखना है बट इफ़ इट कम्स फॉर शॉर्ट लाइक आपको बताना है वन 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 लाइन आंसर में तो आप मुझे बता दो फटाफट फड़ से कमेंट सेक्शन में दिस इज द क्वेश्चन विच इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चन भी आ सकते हैं राइट तो कैरेक्टर स्केच में आ जाए क्वेश्चन या आपको ऐसे हमेशा पूछा जाता है कह, कहा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए टेल अबाउट योर परस्पेक्टिव टेल अबाउट योर व्यूज एंड अकॉर्डिंग टू यू हेनरी के बारे हैरियट के बारे में बताओ सो so, अगर हम बात करें डॉक्टर जेम्स हैरियट के बारे में ही वॉज अ ड्यूटीफुल डॉक्टर ड्यूटीफुल डॉक्टर था और वो अपने से ज्यादा दूसरों के इमोशंस पे ज्यादा ध्यान देते थे हु केयर फॉर अदर इमोशंस मोर देन हिज पर्सनल इंटरेस्ट उनके पर्सनल इंटरेस्ट से ज्यादा दूसरों के देखो हमारे जैसे टीचर्स भी ऐसे होते खुद के लाइफ में ना उत्पटांग हो रहा होता है कुछ भी हो रहा होता है और हमें बोल दिया जाए कि मैम आपको कल क्लास लेनी है हम क्लास लेके रहते हैं हम सारी दुनिया के गम भूल जाते हैं और बोलते हैं नहीं बच्चों के लिए करना है सो तो वैसे ही यहाँ पे डॉक्टर बताया गया है तो आपको प्रूव करना है इस स्टेटमेंट को ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिस कर लो तुम तुम सोचते हो समरी सुन लेने के बाद में हमारा काम हो गया हम वहां पर जाके करके आ जाएंगे नहीं वहां पर आपको स्टोरी नहीं पूछेंगे अभी तुम छोटे से प्यारे से फिफ्थ क्लास वाले स्टूडेंट थोड़े को भी आपको कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए बोल दिया जाएगा सो बी रेडी फॉर दैट एंड डू मी इन कमेंट सेक्शन एज वेल अबाउटर की डॉक्टर क्या क्या ऐसा किया था एंड दैट प्रूव वर दी As, like we, what are the examples we can provide there what are the detailings we can give there in our exam uh, in our exams answer sheet ki, pe aisa karne ki se, we can say that he was more emotional for others and he put his interest behind okay so here i have given you i have told summary ho chuki hai, glossary ho chuki hai, and this is the part where i am going to say thank you for what ma'am so thank you all my buddies for showering your love

बताए करके कैसा लगा सेशन ये भी शेयर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन डू लाइक एंड शेयर ओके आल मीट यू इन द नेक्स्ट डेफिनेटली टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय